एक बेकरी से इस बंदे ने 32 बिलियन डॉलर्स का ब्रांड बनाया जिसके प्रोडक्ट्स आज हम सबके फेवरेट है। 1920s के इटली में पिएट्रो नाम का एक बेकर था जिसके अंदर चॉकलेट से कुछ बनाने की चुल थी, लेकिन उस वक्त वॉर की वजह से इटली में चॉकलेट्स इंपोर्ट करना मुश्किल हो चुका था। तो उसने एक जुगाड़ लगाया, उसने चॉकलेट और हेजलनट को मिक्स करके पास्ता जेनोआ नाम का चॉकलेट बार बनाया जो रातों रात फेमस हो गया और इसके मास प्रोडक्शन के लिए पिएट्रो ने एक फैक्ट्री भी बनाई। लेकिन 1949 में पिएट्रो की डेथ हो गई और उसके बेटे माइकल ने उस फैक्ट्री को चलाना शुरू। आगे माइकल ने अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट किया। उसने पास्ता जेनोआ को रिनोवेट करके उसे सुपर क्रीमा नाम के थिक चॉकलेट पेस्ट में लॉन्च किया जिसे आज हम न्यूटेला के नाम से जानते हैं। आगे 1968 में उसने किड्स सेगमेंट के लिए किंडर लॉन्च किया। इसी के साथ प्रीमियम सेगमेंट के लिए उसने हेजलनट का चॉकलेट भी लॉन्च किया जिसे आज पूरी दुनिया उसके गोल्डन रैपर की वजह से जानती है, विच इज फरेरो रोशर। 2015 में माइकल फरेरो तो गुजर गए बट आज उन्हीं की वजह से फरेरो ग्रुप हर साल $15 बिलियन के चॉकलेट्स बेचता है।